हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमोर और अवतार स्टडी अनारस पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखिए, हमारा पिछले वीडियो में दूसरे नंबर तक का क्वेश्चन हो गया था, अब हम इसमें जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन बात करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और जो हमने पहला वीडियो बनाया था भाग वन, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप सभी वीडियो को जो है, सभी जो है जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो है परिभाषा सहित आपको समझाया गया। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध हार। तो यहाँ क्या करा है कि एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से, मतलब वाई बटे एक्स। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर 1, 2, 3 से लेकर 6 तक, उसके बाद आर दिया हुआ है एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, जहाँ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए। तो दोस्तों, हम इसको हल करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझाया गया है पिछले वीडियो में उसको आप देख लेंगे और आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, वाई भाज्य है एक्स से मतलब ये हो सकता है वाई बटे एक्स, ये है, ये क्या है वाई बटे एक्स, वाई भाज्य है एक्स से, एक्स कामा वाई सच दैट मतलब वाई बटे एक्स, तो ये हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आर जो है पूरा विधिवत निकाल लेना है इसको अच्छे तरीके से। देखिए, वाई बटे एक्स के रूप में हम देखेंगे तो अगर हम वाई के जो स्थान पर जो है एक रखेंगे और एक्स के स्थान पर भी एक रख रहे हैं तो क्या आएगा, भाग देने पर क्या आएगा, एक, क्या आएगा एक। तो इसका मतलब एक कामा एक पहले हो गया, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ दो रख रहे हैं या एक रख रहे हैं तो क्या होगा, एक कामा दो, समझ रहे हैं ना। तो मतलब जितने से भाग देंगे उतना आ जाएगा। देखिए, एक से फिर भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, मतलब एक कामा एक, एक कामा दो, एक कामा तीन, इस तरीके से पूरा आ जा रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, कामा चार, एक कामा पाँच, एक कामा छः तक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए दो रखेंगे, क्या रखेंगे, दो, और एक्स के स्थान पर जो है हम भाग देंगे तो किस संख्या से जो है विभाजित हो रही है। तो जब विभाजित की बात आएगा तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ आ जा रहा है जैसे दो कामा दो, दो से विभाजित करेंगे तो दो कामा दो आ रहा है। फिर क्या करेंगे, यहाँ चार करेंगे और यहाँ जो है दो करेंगे तो दो कामा चार आ रहा है, क्या रहा है, दो कामा चार आ रहा है। फिर यहाँ छः करेंगे और यहाँ दो करेंगे तो क्या रहा है, दो कामा छः आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आता क्या है कि हम देखते हैं तीन, तीन दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तीन का, तीन से फिर उसके बाद वाई के स्थान पर, तो तीन से भाग देंगे तो किस संख्या से विभाजित होगा, तीन से केवल। तो यहाँ लिखेंगे तीन कामा तीन और ये तीन कामा छः हो गया एक। उसके बाद हम देखते हैं चार है तो हम यहाँ चार कर, मतलब चार से तो कर चुके हैं समझिए अगर एक तरीके से, तो क्योंकि ये लगभग वो हो गया है लेकिन अब चार से करना है, क्योंकि करना ये इसलिए है कि अभी चार वाला बाकी है, वो हम दो वाला किए थे जिसमें आपको कहीं कहीं चार नज़र आ रहा है, तो हम चार वाला करेंगे। तो क्या करेंगे, चार से किस में भाग जाएगा, चार से केवल देखिए एक तो जो है वो आप जानते ही हैं, एक कामा चार से तो वो हो चुका है, लेकिन अब चार से जो है वो चार कामा चार होगा, केवल एक बनेगा इसका युग्म। तो ये देखिए इस तरीके से चार कामा चार युग्म बन गया। उसके बाद हम पाँच देखते हैं तो पाँच किससे क्या बनेगा, पाँच कामा पाँच, पाँच का केवल पाँच कामा पाँच बनेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाँच कामा पाँच। छः है तो छः का क्या बनेगा, छः कामा छः, इस तरीके से बन गया ये। अब हम चलते हैं इसको देख, तो ये हमारा आर इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सुतुल संबंध है या नहीं है। तो सुतुल संबंध में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि इसमें जो है बराबर समझ लीजिए होता है, बराबर मतलब बराबर क्या होता है, भुज या कोण, जहाँ जहाँ भुज अगर एक है तो कोण भी एक होगी, भुज जो है ए है तो कोण भी जो है ए होगी। तो इस तरीके से इसमें होता है। तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि भुज और कोण जब बराबर है तो इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हमने आपको फार्मूला जो बताया था उस फार्मूले के थ्रू जो है लिख रहे हैं। देखिए फार्मूले से ही बना रही है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो लिख रहे हैं वन कामा वन, मतलब ये कामा एक, जैसा कि हमारा ये पहला युग्म आर से दिया हुआ है तो वन कामा वन लिखेंगे। किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आर से, आर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जैसा कि फार्मूला में हमने बताया था फारी ब्री लगाते हैं, फारी ब्री लगाने पहले आप फारी ब्री लगाइए चाहे जहाँ लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे उसके बाद, ये जो है वन, वन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक जो है एक बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ये बिलोंग कर रहा है ए से, चलिए इस तरीके से ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे हमने बताया ना चाहे फारा भी लिखें चाहे आप चाहे जहाँ लिखें उससे फर्क नहीं है, जैसे कि जहाँ में हम भी लिखते हैं नीचे अभी अगले बताएंगे अगले टॉपिक पर। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब ये देखेंगे कि इस तरीके से सभी मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब हमें इसमें जितने भी अवयव दिए हुए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हुए, तो हमें क्या है इसमें 6 जो है हमें युग्म देखना है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6 इस प्रकार से दिया होना चाहिए। तो अब चलते हैं देखते हैं।
तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1,1 दिया हुआ है, 2,2 दिया हुआ है, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, मतलब 1 से लेकर 6 तक जो है सभी का युग्म जो है बन रहा है वो भी सेम। तो इसलिए यह क्या होगा, स्वतुल्य, सममित, स्वतुल्य और सममित में भी थोड़ा ऐसा कुछ है, अभी उसको बताते हैं। तो यह स्वतुल्य, तो देखिए इस प्रकार से यह क्या हो गया, यह संबंध जो है स्वतुल्य हो गया, तो यह स्वतुल्य है। तो अब सममित संबंध आता है। सममित संबंध में हमने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि उसमें जो है करना क्या होता है कि जैसे कि ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए, मतलब क्या होता है कि ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए, भुज के स्थान पर कोट, कोट के स्थान पर भुज होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं कि अब, तो जैसा कि अगर हम इसमें देखिए जो कि दिया हुआ था आर में, अगर हम 1,1 उसमें भी लेते हैं तो ये जो है 1,1 हो जाएगा। लेकिन अब हम चलते हैं दूसरे पे, देखते हैं कि 1,2 पे देखते हैं। तो 1,2 जब ले लेंगे तो देखिए 1,2 जो है, 1,2 जो है आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि ये देखिए एम्प्लाई देर का चिन्ह लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, मतलब भुज के स्थान पर कोट। तो ये देखिए ये जो कोट है यहाँ हो जाएगा 2,1। जब 2,1 हो जाएगा उसके बाद यह क्या 2,1 इसमें बिलोंग कर रहा है, देख लेते हैं कहीं 2,1 दिया हुआ है, 2 कहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो जाएगा यह नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ 1,2 बिलोंग्स टू ए, इसलिए यह जो है संबंध क्या है, तो लिखेंगे यह संबंध सममित नहीं है। इस तरीके से हो गया। ये चलते हैं संक्रामक की बात करेंगे। तो संक्रामक संबंध में हम लोग आपको बताया था इसमें क्या होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा जो है सी बिलोंग्स टू आर, तथा इम्प्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, और जहां ए कामा बी कामा सी जो है बिलोंग कर रहे हो कहां से, ए से। तो ये उसका फार्मूला था। अब इस फार्मूले से जो है हम इसको आगे करते हैं। तो जैसा कि आर युग्म, आर में दिया हुआ था युग्म 1,1, तो हम 1,1 ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि फार्मूला बताया था बिलोंग्स टू आर, और फिर एक, क्योंकि ए कामा बी, बी कामा सी, तो एक इसमें और कहीं भी है तो उसको भी ले लेंगे। जैसे कि 1,1 स्वतः ही है तो पहले इसको भी ले लेते हैं। 1,1 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाई दैट, तो ये हो जाएगा, हमें क्या करना है इसमें कि इसको जो है छोड़ना है और इसको जो है लेना है। तो यहाँ क्या कर देंगे कि 1,1, ठीक है, यह कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, इसमें बिलोंग कर रहा है, और जहाँ जहाँ करके लिख लेंगे, जहाँ क्या करेंगे कि वह 1, 2 और 3 बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब हम उसके बाद पहला देखते हैं, उसके बाद देखिए अगर हम समझा आपको समझा देते हैं दूसरा किस तरीके से होगा। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जैसे कि अब यहाँ देखिए 1,1 ले लिए थे, फिर 1,1 लिखे, फिर क्या करेंगे 1 जिसमें स्टार्टिंग में है, फिर 1,2 लेंगे उसमें जो है युग्म में दिया हुआ है, फिर 1,3, मतलब इस तरीके से पूरा ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा जब ये जब तक आएगा, जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से जो है 2,2, उसके बाद उसका जो है किसमें 2 दिया हुआ है, किसमें फिर से इस तरीके से करेंगे, फिर थी मतलब ये पूरा इसलिए लेते आएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आप चल देखिए क्या करते हैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि बीच में हम डॉट डॉट कर देते हैं, क्या करते हैं डॉट डॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे लास्ट ले लेते हैं। लास्ट में क्या है तो 6,6 दिया हुआ है, तो 6,6 जो है किससे बिलोंग कर रहा है, यह आर से बिलोंग किया हुआ है, और फिर जिस तरीके से लिखते हैं और 6,6 तो 6 यहाँ 6 होना चाहिए, उसके बाद 6,6 खुद ही है तो हम 6,6 को ले लेते हैं, उसके बाद यह भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से, फिर एम्प्लाई दैट, फिर देखिए यहाँ क्या होगा, इसको लेते हैं मतलब इसको छोड़ते हैं, सॉरी इसको छोड़ते हैं और इसको लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो है 6,6 हो गया, 6,6 बिलोंग्स टू आर, और जहाँ जहाँ करके लिख लेंगे कि 6,6 बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे 2 बार 6 6 है तो इसको हम कामा करके नहीं लिखते हैं, एक बार लिख लेते हैं जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, संक्रामक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यह संबंध, देखिए लिखने के कई तरीके हैं, हम आपको सभी तरीके बता रहे हैं, यह संबंध संक्रामक है। हमने आपको पिछले वीडियो में जो है अगले तरीके से बताया था, इसमें अगले तरीके से बता रहे हैं, मतलब आपको नए नए तरीके से जो है आपको परिचय करा रहे हैं, तो आप जो है उन सबको समझते जाइए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब जो है देखते हैं हमारा क्या है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसके बाद ये पूर्णांकों वाला दिया है, तो आप पूर्णांक जानते हुए क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मतलब होता है कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, मतलब माइनस में जैसे कि मान लीजिए कि -1, 2, 3 मतलब ऐसे स्टार्ट करते हुए, और जो है चलिए हमको दिखाते हैं उसकी कि जैसे होता है, देखिए मान लीजिए जैसे कि माइनस
से स्टार्ट हुआ डॉट 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 माइनस वन जीरो प्लस वन फिर उसके बाद डॉट 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 जीरो इस तरीके से होता है। तो उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, तो इसमें संबंध याद करना है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, तो द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं, देख लीजिए उसको। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको ये चिन्हों में दिक्कत होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि लेस देन होता है, इसे लेस देन पढ़ते हैं, इसे जो है लेस देन इक्वल पढ़ते हैं, इसको जो है ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल पढ़ते हैं, तो इस तरीके से आप ये समझ जाइए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए दूसरा इस तरीके से है कि आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ था और आर एक तरीके से ए दिया हुआ है कि ए कमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, इसको लेस देन पढ़ते हैं जैसा कि हमने बताया था आपको, सॉरी दोस्तों इसको लेस देन ए लेस देन बी स्क्वायर जहाँ ए कमा बी देखिए बिलोंग्स टू आर, ये नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ए कमा बी जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से। तो चलिए हम देखते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या होता है सतुल संबंध कह रहा है कि सबसे पहले बताइए कि सतुल्य है संबंध, मतलब ये जो संबंध कर रहे हैं उनको हम बताएंगे, तो देखिए सतुल संबंध इसमें जो है दिया हुआ है, तो सतुल संबंध का हम क्या करेंगे, देखिए कि जैसा कि a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसके वो हम ऐसे नहीं हल कर पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि b के स्थान पर जो है a रखने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं b के स्थान पर a रखने पर, ठीक है। इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम बी के स्थान पर ए को रखकर ऐसा देखेंगे कि क्या ये जो है मतलब स्वतुल्य है हमारा, तभी ज्ञात हो सकता है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं, बहुत से बार बच्चे कहेंगे कि ए के स्थान पर ए के स्थान पर बी क्यों नहीं रख रहे हैं, तो उसको बताते हैं बी क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्याओं में मतलब कि एक दो तीन साल इस तरीके से आएंगे, तो उसमें क्या होता है कि वास्तविक संख्या क्या है उसमें से माइनस में नहीं, मतलब माइनस देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है वो इसमें आर के रूप में दिया हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हम बी के स्थान पर ए को रखें तो यहाँ क्या होगा, ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे कि हम मान लीजिए ए के स्थान पर एक रखते हैं, तो यहाँ क्या होता एक और यहाँ जो है एक का स्क्वायर एक, तो यहाँ क्या हो जाता कि ये जो है बराबर भी होता लेकिन बड़ा तो नहीं होता ना, तो ये बराबर तो होता लेकिन बड़ा नहीं होता। और इसमें क्या होता है स्वतुल्य में क्या होता है कि ए अगर जो बूझ है वही कोट होना चाहिए, अगर यहाँ हम दो रखते तो यहाँ क्या होता दो दूनी चार होता, इसका मतलब क्या है यह संबंध नहीं है, मतलब यह नहीं है, यह जो है आपका तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा हो जाएगा कि स्वतुल्य नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा नहीं है। अब हम जो आपको फार्मूला बताए थे उस फार्मूले से नहीं, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, आप उस फार्मूले से कर लीजिएगा, तो ये क्या होगा स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं सममित देखते हैं। ऐसा दोस्तों जल्दी जल्दी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं आपको, अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हमें जो है बहुत टाइम लग जाएगा और आपका सिलेबस भी नहीं पूरा हो जाएगा, तो हमें जो है सिलेबस आपको पूरा कराना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सममित संबंध में क्या आता है, सममित संबंध जिस तरीके से हमने बताया था कि ए कमा बी होगा तो बी कमा ए होना चाहिए, मतलब कि भुज और कोट, तो भुज और कोट को भुज को कोट, तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम सबसे पहले आपको अपना फार्मूला तो याद होगा, तो फार्मूला बताने की जरूरत हम नहीं समझ रहे हैं या आप बता दे रहे हैं आपको, चलिए अच्छा ए कमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी कमा ए बिलोंग्स टू आर जहाँ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इस तरीके से आपका फार्मूला था। तो अब हमें करना क्या है जो हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ सीधा सीधा है हमारा सच दैट क्या कर रहा है, ये कह रहा है देखिए क्या इस तरीके से कोई संबंध कभी होता है, कभी ऐसा संबंध आपने देखा है कि जो है कि वो ए से जो है बड़ा भी हो और जो है वो बराबर भी हो और वर्ग में भी हो, तो मतलब और फिर वही संख्या जो है बी से जो मतलब बी आए और ए जो है उससे बड़ा हो जाए और बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होगा केवल एक के लिए कंडीशन में यह हो सकता है, तो ये इसका जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो रहा है, यह जो है इक्वल नहीं हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा देखिए न तो इक्वल हो रहा है और न तो जो है लेस देन हो रहा है, तो यह इसका मतलब यह सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध के लिए कह रहा था लेकिन यह सममित संबंध नहीं है, तो नहीं है, क्या लिखेंगे नहीं है, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि है या नहीं, तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आप ये वाला पॉइंट नीचे लिख दीजिएगा और इसे ऐसे इस तरीके से काट दीजिएगा, क्या करेंगे इस तरीके से काट देंगे, नीचे लिखकर काट दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं संक्रामक की, तो संक्रामक में जो होता है आपको पता ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ जो है सिंपल में आपका फार्मूला देखते हैं, तो ये आपका फार्मूला होता है, इस तरीके से फार्मूला हो गया, तो हम चलते हैं इस फार्मूले में सेट करते हैं इसको, देखिए क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आपका ये जो स्क्वायर दिया हुआ था ये स्क्वायर आपका हटेगा नहीं, क्यों नहीं हटेगा, ये स्क्वायर जो है इसी साइड में रहेगा, मतलब अब देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ एक बात बता दूं
कि ये जो है यहाँ, जब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर मतलब इतना हो रहा है, तो यहाँ बी सी स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ बी, अगर यहाँ बी स्क्वायर करते तो यहाँ क्या हो जाता, तो सी पे घाते चार होता ना, तो यहाँ भी जो है देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब जब यहाँ सी पे घाते चार हो रहा है, यहाँ इस तरीके से देखिए या करके लिख ले रहे हैं कि जब इतना हो जाता, देखिए इतना हो जा रहा है, तो ये चार हो जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, दो देखना है, जब दो देखना है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो यहाँ जो हमारा ये बना हुआ था ये वाला देखिए जहाँ करके, तो ये जो है हमारा ए कामा सी, ये हमारा जो है नॉट बिलोंग्स है। जब ये नॉट बिलोंग है, और ये भी तो फिलहाल नहीं था, लेकिन चलिए जब ये नॉट बिलोंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं है, तो यह नहीं है। अब उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए धन 1 या ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें आर निकाल लेंगे अच्छे तरीके से पूरा, ये जो है आपका जो दिया हुआ है, तो इससे हम निकालेंगे संबंध से अपना, तो जो बी बराबर ए धन 1 दिया हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा कि देखिए जब हम ए के स्थान पर, ए के स्थान पर जब हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, ए के स्थान पर 1, तो जब हम ए के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, अपने आप 1 + 1 = 2, जब एक रख देंगे तो यहाँ एक एक मिलकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, इस तरीके से समझिए आप। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब यहाँ 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, जब 2 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 3, इस तरीके से जब 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 - 4, 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 - 5, और 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5 - 6, इस तरीके से हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या आपको देखना है कि स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक, इन दोनों में बात करना है। तो अब चलते हैं स्वतुल्य सममित और संक्रामक की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था स्वतुल्य में क्या होता है कि जैसे कि 1 का मतलब जो ए का मान दिया है वही बी का मान होना चाहिए, जो एक्स का मान है वही वाई का मान होना चाहिए, तो क्या देखिए 1 - 2 दिया हुआ है, तो हम 1 - 1 नहीं है, मतलब 1 - 2 दिया हुआ है, मतलब 1 - 2। तो देखिए क्या होता है कि जब यहाँ 1 - 1 नहीं दिया हुआ है, जैसे कि 1 - 1 नहीं दिया हुआ, इसमें होना चाहिए था, अगर भुज एक है तो कोड भी एक होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं दिया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह जो है स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य यह नहीं है। अब हम बात करेंगे सममित की, तो सममित में क्या होता है कि जो भुज होगा वहाँ कोट और कोट के स्थान पर भुज, तो इस तरीके से इसमें देख लेते हैं, जैसे कि 1 - 2 दिया हुआ है, 2 - 1 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 1 - 2 दिया है, 2 - 1 होना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से देखिए नहीं है। अब हम चलते हैं कि संक्रामक की बात करेंगे, तो संक्रामक में देखिए क्या होता है, जैसे कि 1 - 2 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद क्या होता है कि 1 - 2 है, यहाँ जो होगा मतलब जो कोट होगा वही यहाँ आ जाएगा, तो कोट, उसके बाद अब 2 - इसमें से देखना है, 2 किसी में दिया है तो इसमें एक दिया हुआ है 2 - 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 3, यह बिलोंग्स टू आर, उसके बाद क्या होता है सच दैट, तो उसके बाद क्या होगा, ए जो फार्मूला में होता था 1 - C, तो यहाँ लिखेंगे देखिए इसको हमें क्या होता है, इसमें छोड़ना होता है और इसे लिखना होता है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 3, तो 1 - 3 देखते हैं क्या इसमें हमारा कहीं दिया हुआ है, 1 - 3 नहीं दिया, मतलब 1 - 3 नहीं दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जब बिलोंग्स टू आर नहीं, तो इसलिए संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार यह तो न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे अगले वीडियो हमें जो हमारा होगा वो बहुत ही अच्छा, मतलब कि अच्छे टॉपिकों पर होगा, जो कि अगले क्वेश्चन है आपको जो जैसा कि जरूरत है। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आप वीडियो को देखते समय पूरा देखिया करिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से, स्किप ना किया करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चनों के साथ, जय हिंद दोस्तों।